भाइयों और मेरे देश के निवासियों, ये बच्चा गरीब का बच्चा नहीं है, ये बच्चा हमारे देश का बच्चा है, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारे कल का हिंदुस्तान है। भाइयों, मैं अपने देश के किसी बच्चे को नंगा नहीं देख सकता, इसलिए मैं हर नंगे बच्चे का जिस्म अपने कपड़ों से ढांक दूंगा। विशंबर बाबू, विशंबर बाबू, जी क्या किया तुमने? बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़े गीले कर दिए इसका मकसद ने। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें इस इलेक्शन को भी जीतना ही है, लेकिन इस बार मैं अपने सारे एमएलए को मंत्रालय ले जाकर मिनिस्ट्री की कुर्सी भी छीनू। हाँ, इसके लिए चाहे मुझे पानी की तरह पैसा बहाना पड़े और अगर जरूरत पड़े तो खून भी बहाना पड़े। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। विशंबर बाबू, आपके सामने जो दत्ता बाबू खड़े हैं ना, उनकी हवा बहुत गर्म है। अब बैठ जाओ शुक्ला। अरे गाड़ी जब बहुत गर्म होवे ना तो झटके खा कर खुद ब खुद रुक जावे सुसरी। हाँ, ये साला भी ऐसे रुक जाएगा और फिर मैं लड़ाका हूँ, लड़ाका। किसी दत्ता बत्ता को ना जानू, बहुत से दत्ता बत्ता मैंने देखे हैं और फिर क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ, अरे ये देखो इसके बलबूते पर जाकर एक एक वोट को खरीद लो और अगर फिर भी ना मिल पाए तो इसके बल से एक एक वोट छीन लो। क्यों, ठीक कही ना मैंने? ठीक है। अब जाओ अपने अपने इलाकों में जाकर इलेक्शन की तैयारियां करो। मुत्तु स्वामी, हाँ जी, इन सब के घरों में रुपए पहुंचवा दो। ठीक है जी। हाँ, नमस्ते विशंबर बाबू। वाह भाई वाह, इलेक्शन में तुम लोगों ने मेरा साथ देकर अपनी जात का नाम ऊंचा कर लिया रे। हमारे होते हुए आपके हाथ से एमएलए की कुर्सी छिन जाए, भला ये कैसे हो सकता है? शाबाश शाबाश, अरे अपना तो जीवन सफल हो गया रे, एक चोरा कलेक्टर और दूसरा डीएसपी। विशंबर विशंबर, तुम चोर जी, तुम बेईमान जी, तुम फ्रॉड जी। क्या वक्ता? मैं नहीं जी, ये सारा गांव बोलता जी कि तुम फ्रॉड जी। चुप। चुप जी, दत्ता बाबू भूख हड़ताल जी, इलेक्शन फ्रॉड इंक्वायरी जी। लगता है दत्ता बाबू ने इलेक्शन की गड़बड़ी की शिकायत दिल्ली तक कर दी है। और कहीं वो नए सिरे से इंक्वायरी शुरू कर दे तो? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है छोरे, मैं राजनीति के दाव पेच को अच्छी तरह से जानू। हाँ, बैठे, बैठो बैठो बैठो। अरे भाई, तेरे छोरे के तो बस कमाल के असूल है। हाँ, बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी है आपने। माफ कीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर तो स्कूल के मास्टर जी का है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी उसके असूलों से कोई खुशी नहीं है? अरे साहब, मेडल और तालियों से खुशी थोड़ी बरसती है। वाह भाई वाह, हम खुश हुए, इसका मतलब है कि तुम्हारे और हमारे ख्याल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कमाल करते हैं आप, चाय या कॉफी? बादाम का शरबत पीजिएगा आप। शरबत चल जाएगा। चल जाएगा मुत्तु स्वामी, बादाम का शरबत। अच्छा सर, पो। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? तुम्हारे छोरे के कानूनी पर कुछ जरूर से ज्यादा ही फैल गए हैं और उसकी वजह से हमें हद से ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आने से पहले हम लोग जिस शहर में थे वहाँ के मिनिस्टर साहब को तो आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी। बड़ी चालाक हो तुम। मगर क्या है कि हमारे आदमी कुछ जरूर से ज्यादा ही खतरनाक हैं, कहीं उनकी खोपड़ी घूम गई तो भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने छोरे को समझा और यहाँ से ट्रांसफर करवा ले। बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा जरा जिद्दी है, मानेगा नहीं। अरे कैसे नहीं मानेगा मुत्तु स्वामी? ये बादाम केर जी। हम जानते हैं माँ की बात छोरा जरूर मानेगा, ये लो 40,000 है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरे बेटे को मनाना इतना आसान काम नहीं। तो ठीक है, ये लो 40,000 और। अब छोरा तो क्या, छोरे का बाप भी मान जाएगा। फिर भी बेटे को मनाना थोड़ा मुश्किल काम है।
चलो जाने दो जाने दो, हम खुद उसे मना लेंगे। आ, 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 नहीं 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 80,000 में मैं अपने बेटे को मना लूंगी। समझ लीजिए कि मेरे बेटे का तबादला हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मना लूंगी मैं अपने बेटे को, मना लूंगी। क्यों, ठीक है ना? वाह, क्या चाल चली है। 3 ml इसका क्या होगा? अरे 3 गए तो जाने दो सुसरों को, मैं 6 खींच लूंगा। 6? हाँ, तो फिक्र मत किया कर बेटा। हाँ, अरे ये मुत्तू स्वामी का बच्चा बहुत देर से पान लेने के लिए गया हुआ, अभी तक नहीं है। ए, ए, मुत्तू स्वामी के बच्चे, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? अरे मुत्तू स्वामी, दूसरा पान किधर है? इधर है। अरे मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। तू बाजार गया था ना। हाँ। तूने 2 पान लिए थे ना। हाँ। तो दूसरा किधर है? इधर है। अरे मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। तू बाजार गया था ना। हाँ। तूने 2 पान लिए थे ना। हाँ। तो दूसरा किधर है? इधर है। अरे एक मिनट मुत्तू स्वामी, इधर आ। पापा ने तुझे 5 रुपए दिए थे ना। हाँ। 2 पान के लिए। हाँ। दुकानदार ने तुझको 2 पान दिए थे ना। हाँ। तो बताओ दूसरा पान किधर है? इधर है। अरे दूसरा पान, एक मिनट मैं समझाता हूँ। मुत्तू स्वामी इधर आओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे अंदर कर दूंगा। बोल, साहब ने तुझे 5 रुपए दिए थे, तू बाजार गया था, तूने 2 पान खरीदे थे, तू दूसरा पान किधर? इधर है। अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो मुत्तू स्वामी, मैंने तुझे 5 रुपए दिए थे ना, तू बाजार गया था ना, तूने 2 पान लिए थे ना, तो दूसरा किधर है? इधर है। अरे ये सब दूसरा पूछते, ये नहीं पूछते पहला किधर है। पहला पान किधर है? इधर है। अरे ये क्या किया तूने छोरे, इस तरह से पैसे नहीं लुटाते। हाँ, अरे पैसे का क्या है विशंबर सेठ, आप कुर्सी पर, हम ड्यूटी पर, पैसे तो आता जाता ही रहेगा, मगर दुआएं दरवाजे पर कभी कभी आती है। क्यों, ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक कही है? अरे छोरे, ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती है। हाँ, अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं, हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। किसी के दुख में काम आए क्या? किसी को पैसे दिए क्या? नहीं। अगर हम ऐसे पैसे लुटाने लगे ना, तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे हम। हाँ। अरे ऐसे कैसे फकीर हो जाएंगे सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए, आप ही का माल है। तुम्हारा तुल अभी और मुझे सभी को बचे, मैं मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया, अब तक तो तेरे सेठ का नाम पत्थर पर लिख दिया होगा। अयो ऐसा कैसा होगा जी? अयो ऐसा ही होगा जी। क्यों रे छोरे, अपने बाप का माल समझकर उसे दे दिया था क्या? बाप का नहीं, पाप का समझकर पुण्य में लगा दिया। क्यों, ठीक है ना? अबे साले, तो कौड़ी के पुलिस के कुत्ते, तुम मुझसे सवाल लड़ाता है? अयो खबरदार, जो पुलिस के कौम को गाली दी, जुबान खींच कर उसमें गांठ बांधूंगा, जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। तूने मेरे गरेबान पर हाथ डाला, पसंबर प्रसाद एमएलए के गरेबान पर, होने वाले चीफ मिनिस्टर के गरेबान पर। अरे जरा घूम कर देख कुत्ते, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे मेरी मौत की छोड़, अपनी जिंदगी की सोच। क्यों, कैसे पड़े? बहुत अच्छा जी।